लुकेट दिस क्वेश्चन 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 है कुछ तो अच्छा होगा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है सर्कल कंटेन्स पॉइंट माइनस टेन कॉमार टू कुछ शायद एक से ज्यादा सर्कल्स आते होंगे तो एक सर्कल फिक्स करने के लिए उन्होंने ये डेटा दिया व दिस पॉइंट इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ कॉड ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई टू जीरो डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा और वो भी कोडिनेट एक्सिस के ऊपर ठीक है थोड़ा आइडिया अच्छा आ जाता है एक्सेस पे डायग्राम ड्रॉ करने से वी हैव टू लाइन्स वाईज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स तो ये हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं टू माइनस एक्स अब सर्कल जो है वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है माइनस टेन कॉमा टू ये जो पॉइंट है वो कहां पे होगा आ, यहां कहीं पे होगा इस तरफ ठीक है ना सेकेंड क्वारन में है ये पॉइंट सर्कल जो है वो वाई इक्वल टू एक्स को टच कर रहा है और इस लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट बना रहा है जिसका लेंथ है सिक्स रूट टू तो हम एक सर्कल ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं मैं ट्राई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सो वी हैव दिस सर्कल लाइक दिस ठीक है, ओके हमें इसका इक्वेशन निकालना है कैसे निकालेंगे हमें सेंटर चाहिए रेडियस चाहिए कुछ डेटा आगे बने, दिस इज पॉइंट पी दिस इज ओरिजिन डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू फोर रूट टू और ये जो लेंथ है वो है सिक्स रूट टू कैसे इस डेटा को यूज करेंगे सेंटर रेडियस निकालने के लिए यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा जब भी कॉर्ड है तो सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉप करना है ठीक है और सेंटर से हम इस टेंजेंट को भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पी पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे ये यह जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगा ठीक है सपोज दिस इज सेंटर सी दिस इज पॉइंट एम C P O M इज रेक्टेंगल क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या है राइट एंगल है ओके okay, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं डिस्टेंस OP जो है वो क्या है फोर ओ टू है और ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स है तो स्ट्रेट अवे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस फोर कॉमा माइनस फोर अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे आप यहां पे पॉइंट ले लें एक्स कॉमा एक्स उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो फोर उ टू है तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आ, प्लस माइनस फोर पर हम माइनस फोर लेंगे क्योंकि ये पॉइंट क्लियरली थर्ड क्वार्टर में है ठीक है ना? अब हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कैसे ये जो लाइन है उसका स्लोप क्या है माइनस वन तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा माइनस वन सी पी का स्लोप जो है अब वो माइनस वन होगा क्योंकि सी पी जो है वो इस लाइन को पैरल है सो वी हैव स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस वन से दिस इज इक्वल टू टेन थीटा थीटा कौन सा एंगल होगा थीटा इज दिस एंगल जो ये रेडियस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा वन थर्टी फाइव डिग्री ठीक है तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमें आ, C के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पर उसके लिए हमें क्या चाहिए डिस्टेंस CP चाहिए CP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे CP जो है आ, वो रेडियस है कैसे निकालेंगे ये रेडियस ये डिस्टेंस कितना है फोर रूट टू तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा फोर रूट टू ठीक है ये जो लेंथ है वो गिवन है सिक्स तो ये लेंथ कितना हो जाएगा दिस इज थ्री टू अगर मैं सी पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस फोर रूट टू थ्री रूट टू तो ये लेंथ कितना हो जाएगा पाइथागोरस से फाइव रूट टू सो CP लेंथ इज ऑल्सो फाइव रूट टू तो देखो सर्कल का रेडियस आ गया और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करने के लिए भी हमें यहां पे लेंथ मिल गया तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से सी uh, के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम दोनों पॉसिबिलिटीज ले, ले लेते हैं प्लस माइनस सो वी हैव माइनस फोर प्लस माइनस फाइव रूट टू मल्टीप्लाई बाय कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री कौन माइनस फोर प्लस माइनस फाइव रूट टू साइन वन थर्टी फाइव डिग्री ठीक है यहां तक कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू क्या होगा माइनस वन अपॉन रूट टू साइन वन थर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू होगा वन अपॉन रूट टू वैल्यूस रखते हैं तो ये हो गया माइनस फोर माइनस प्लस फाइव और यहाँ पे आएगा माइनस फोर प्लस माइनस फाइव यहाँ पे माइनस प्लस इसलिए क्योंकि कॉस का वैल्यू नेगेटिव है और इसका मतलब क्या हुआ जब यहाँ से हम माइनस लेंगे तब यहाँ से प्लस और जब यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे माइनस तो दो पॉइंट्स मिलेंगे इस पॉइंट से फाइव रूट टू डिस्टेंस में एक यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ नीचे मिलेगा पर हम ये वाला पॉइंट लेंगे पहले दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं वी हैव माइनस नाइन कॉमा वन एंड वन कॉमा माइनस नाइन सेंटर के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे हम माइनस नाइन कॉमा वन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है ना ये पॉइंट तो जो है वो फोर्थ क्वार्टर में आएगा सो दिस इज अवर सेंटर वी हैव ऑलरेडी गॉट द रेडियस फाइव रूट टू तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा एक्स प्लस नाइन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर फाइव रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिफ्टीन सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल